वर्चुअल असिस्टेंट हूँ अंडर मेंटरशिप अमन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जाहिर सी बात है हम ये टेक्निकल स्किल्स ये ई कॉमर्स के सारा हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और चूँकि हम पाकिस्तान में हमारी जो सोसाइटी है हम उसमें भी रहते हैं, इसमें हम इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, हमारी बात यही होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम देखते हैं कि वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज, इट्स अ ग्लोबल एज और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जब मैं एक मस्जिद के मौलवी से पूछता हूँ तो वो मुझे कहता है कि ये जो है ना ये दुनियावी तालीम है जो आप हासिल कर रहे हैं, ये दीनी नहीं है। तो सही सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मतलब कैदियों को फरमाया कि आप जो है ना 10 लोग मेरे बच्चों को पढ़ा दें तो आप आज़ाद हैं, तो ये भी हदीस है कि आपको इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आप, तो मतलब जब ये सारी चीज़ें क्लियर थी तो जब हमारे उलमा हैं या कुछ मौलवी हज़रात हैं जब हम उनसे ये पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है ना ये गलत ट्रैक पे हैं, ये जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं ये दुनियावी है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने लगा। तो आपका इस पर क्या टेक है, आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखिए, अब बीइंग ए मुस्लिम जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे मैंने सीरा का पूछा या कुरान का भी पूछूंगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अब एक इंसान को कम से कम ज़िंदगी गुजारने के लिए ये तो पता हो कि हलाल क्या है हराम क्या है, मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अगर एक इंसान की बात करें ना, हम एक मुसलमान की बात करें तो 5 चीज़ें हैं जो 5 चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि वो क्या है। 5 चीज़ें क्या हैं? पहली है इबादत, ईमानियात पहले कर लें। ईमानियात मीन्स हमारे एतकाद, हमारा यकीन, जैसे मैं वो शहादा की बात कर रहा था उसमें वो 6 पिलर्स आ गए, आपकी ईमानियात, आपकी इबादत जो आपकी फ़िज़िकल है जैसे नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात हो रही है। अब तीसरी चीज़ क्या है? माशरत। माशरत का क्या मतलब है? हमने कैसे डील करना है, अपने रिश्तेदारों से कैसे डील करना है, अब उनकी क्या बातें इधर करनी है उधर करनी है, माशरे में कैसे रहना है, अपने हमसाये से कैसे डील करना है, अपने दूसरे भाइयों से कैसे डील करना है, लोगों को कैसे बात करनी है, किस तरह करना है, सारी ये माशरत है जो कि एक स्टैंडर्ड है, वेल स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स ये है। चौथी चीज़ क्या है? मामलात। मामलात क्या होते हैं? आपने किसी से कोई ट्रांजैक्शन किया है, आपने उसको क्या करना है? अब देखें ट्रांजैक्शन क्या होती है, दो भाई हैं ना आपस में, दो भाई आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी उन्होंने कोई डील की है, ओ जी भाई हैं आपको मेरे पे एतबार कोई नहीं है जी, वे क्या बात कर रहे हैं, दो दोस्त कह लें चले, दो दोस्त आपको एतबार कोई नहीं है, यानी हम तो इतना हमारा आपस में प्यार है, क्या ज़रूरत है ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बात नहीं खैर है, बस वर्बल बात होगी, बस कमिटमेंट होगी जी, ख़त्म हो गई, अब थोड़े अरसे बाद भूल जाते हैं, लड़ाई हो जाती। तो क्या है मामलात का तरीका, कैसे डील करनी है, दो ट्रांजैक्शन को बेचना है ख़रीदना है किस तरह करना है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि जब आपको डील करें तो लिख लें, तो इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन वो हमें पता होगा तो फिर है ना। अब मामलात हो गए, मामलात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये जो ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई भी लेनी है इसमें क्या क्या फीजिबल है, किस तरह करना है, किसी में इंटरेस्ट है किसी में नहीं है, रिबा है, अलॉट ऑफ थिंग्स राइट, वो है। अच्छा अब पाँचवीं चीज़ क्या है? अखलाकियात। अखलाकियात क्या है? आपके खुशी गमी आपके एहसासात, क्या वो एहसासात कंपैटिबल हैं, कंप्लाइंस हैं। अब खुशी में हमें क्या करना है, जैसे शादी ब्याह है या कोई फौती हो जाती है, कोई इवेंट है, उसको कैसे गुजारना है, हमने उसको कैसे सेलिब्रेट करना है और कैसे किसी चीज़ को करना है, ये सारा। अब ये 5 पॉइंट्स अगर किसी को पता है और उसको बेसिक सारी चीज़ों का पता चल गया कि मैंने इन 5 को कैसे करना है, तो उसके बाद दैट्स फाइन, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। तो मकसद ये कहने का है कि जो बेसिक नॉलेज है एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक है, उसके बाद आपने गुजार ली। अब अगर आप दूसरी एजुकेशन की तरफ भी आ गए और आपने उसमें एक्सेल कर लिया, नाउ यू आर गोना बी अ रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी एल्स। किस तरह? लोग कहेंगे दीन और दुनिया दोनों को साथ चला रहा है, इसको तो ये भी पता कैसे डील करना है, डील करें इससे तो ये हर चीज़ लिखवा लेता है राइट, हर चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी बात होती है बिल्कुल क्लियर होती है, हर पॉइंट क्लियर है, तो किसका फ़ायदा है? अगर पता ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वही है, वो शुरू में जज्बात आते हैं, इमोशंस है ना कि हम ऐसे, हालांकि वो कहते हैं कि जब आपस में रहो तो भाइयों की तरह रहो, यानी बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहो, लेकिन जब आप में डील करो तो ऐसे करो जैसे स्ट्रेंजर्स के साथ डील कर रहे हैं। हम उल्टे हैं, हम जब डील करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि हम आपस में दूसरे जानते हैं, जब रहते हैं तो अजनबियों की तरह रहते हैं, वो उसने मुझे ये कह दिया उसने मुझे ये कह दिया, वो रिश्तेदारों से नाराज़गी करके बैठे हैं, कता ताल्लुक करके बैठे हैं, इतना इतना उसका
एक वो बड़ा कहते हैं गुनाह है कि आप किसी से कत्ता ताल्लुक करके बैठे और वो चुगलियाँ हो रही हैं या जो भी हो रही हैं, वो तो खैर एक इट्स नॉट अ पॉइंट फॉर क्रिटिसिज्म। तो मकसद ये है कि वो बेसिक पता चलने के बाद अगर इंसान का दिल है, उसका ट्रेंड है किसी उसके, तो वो कर ले। उसके साथ साथ इंसान, जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को इन टच के लिए कुरान भी पढ़ रहा है, तो नमाज भी पढ़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम। और लेकिन हर एक को उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, ये जहन में रखिएगा, वो हर एक ने अपनी कैपेबिलिटी खुद ही देखनी है। कैसे देखनी है कि मैं हर वक्त पूरे दिन में जो है वो सारा टाइम जो है वो दुनिया कमाने में ही लगा रहा हूँ और आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टाइम नहीं दे रहा, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास इल्म भी है, मैं अपना जो डिवाइड किया हुआ है इस तरह कि मैं अपना पैसा जो अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज अल्लाह की राह में उसको भी फैला रहा हूँ, लोगों को भी बता रहा हूँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने तो नहीं आना, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जो उनका पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाएँ, ये भी हमने करना है ना, तो ये भी हम करते हैं। अगर ये भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो बैलेंस पर्सनैलिटी है, इसमें वो कोई नहीं है। अब देखें, जो आप वो मौलवी की बात कर रहे थे ना, अब आपको यही मैं चीज़ बता रहा था कि अब आपने वो चीज़ रख ली अपने दिल में कि वो मौलवी ने ऐसा कहा ना, लेकिन उसके लिए आपने देखना है कि अगले किस पूछ किससे रहे हैं, क्वालिफाइड बंदे से पूछें जो कि बड़ा आपको पता है कि ही इज़ अ क्वालिफाइड, इज़ एन ऑथेंटिक पर्सन, और उसके बाद किसी दो तीन बंदों से और पूछ लें जस्ट टू गेट अ कंसेंसस आउट ऑफ इट। तो वो आपकी एफर्ट पे है ना, हर कोई बंदा एफर्ट करता है, उस लिहाज से वो अगर आप अल्लाह से दुआ मांग रहे होंगे, एफर्ट कर रहे होंगे, यू विल गेट टू योर पॉइंट इंशाल्लाह।